हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कल वाला मैंने व्लॉग डाला ही नहीं। कल व्लॉग बनाया ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ, पर व्लॉग बनाया ही नहीं, स्टार्टिंग ही की नहीं, सुबह से भूल गया था। इसीलिए भाई देखो, काम को भूल गया, अपना मेन काम। तो अब फिलहाल मैंने आज का व्लॉग तो स्टार्ट कर दिया है। तो अब फिलहाल पापा मम्मी गए खेत में, जो कि हमारी मक्का की फसल काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो देखने के लिए गए। अब फिलहाल पूनम तो गई स्कूल और मैं हूँ घर पे। और हम मेरे न्यू चैनल की बात हुई थी, जिसका मैंने अकाउंट तो बना लिया है, पर अब फिलहाल जब मैं वीडियो पूरा बनाऊंगा उसी दिन चैनल बनाऊंगा और उसी दिन वीडियो डालूंगा। तो लिंक में चैनल डिस्क्रिप्शन दूंगा, पर अभी नहीं, अभी चैनल भी नहीं बना। इसीलिए जब चैनल बनते ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो जल्दी से जाना, उसको भी सपोर्ट जरूर करना। भाई, हमारा फोन लाने की बात हुई थी, जो कि सेकंड हैंड फोन था, पर वो जहाँ पर फोन लेने के लिए एक आदमी हमारे गए थे, तो वहाँ उसने कहा था फोन तो बेच दिया, तो इसलिए फोन तो नहीं मिला। फोन जो बेचने वाली थी उसने पहले से बेच दिया। तो फिलहाल हमारे नए फोन के लेने की बात चल रही है पापा के, क्योंकि पापा का ये वाला फोन है जो कि अभी पूरा खराब हो चुका है, मतलब बिल्कुल काम नहीं करता, पूरी स्क्रीन काम नहीं करते। वैसे लोग खोलते अपने आप, किसी का फोन लग जाता है, अपने आप ऐप खुलती है, सब कुछ अपने आप होता है, इसीलिए इसको स्विच ऑफ करके रखा है। इसलिए देखते हैं, बहुत जल्द अभी नया फोन लाना है। तो आज मैंने बजट में नए फोन देखे बहुत सारे, जो कि 7,500 में मुझे दो बेस्ट फोन लगे, जो कि रियलमी के। रियलमी बताओ, मैं सच में मेरी फेवरेट कंपनी है, मुझे रियलमी के प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने रियलमी के एयरफोन ले रखे हैं। मेरे फोन भी रियलमी का लेने की थी, पर मैं पोको में घुस गया, तो इसलिए रियलमी के मैंने दो फोन चूज किए, जैसे रियलमी C20 और रियलमी C30। तो उसमें से मुझे रियलमी C30 ज्यादा एडवांस और ज्यादा लुक्स में और फीचर्स में ज्यादा अच्छा लगा, जो कि रियलमी C30 ज्योति के पास भी अभी नए नए ज्योति ने लिया है, जो कि मुझे वो काफी फोन पसंद आया, बजट सेगमेंट में बेस्ट फोन है। तो इसीलिए देख रहे हैं पापा के भी वही फोन ले लें, तो देखते हैं आज फोन लेने चलते हैं या नहीं, शाम को पता पड़ेगा वो तक। तो भाई फिलहाल मैं तो आ चुका हूँ किचन सेंटर पे, जो कि आज मैं बना रहा हूँ दाल, जो कि अभी रोटी बनाए, बाकी रोटी मम्मी आके बनाएगी। तो फिलहाल अभी आज तो बनाएंगे मूंग की दाल, जो कि पहले मूंग भाप दिए, तो फिलहाल यहाँ पर तो मसाला बन रहा है, तो अभी आज तो मैं ही बना रहा हूँ दाल, तो देखता हूँ कैसी बनती है। तो फिलहाल दोपहर की घड़ी बज रही है 1:30 हो चुके हैं। तो फिलहाल पूनम तो अब जा गया है और अभी आते ही खाना खा रही है। पूनम, आज स्कूल डे कैसा था? तो भाई अब फिलहाल शाम हो चुकी है और आज मैंने फोन लाने की बात हुई थी, जो कि अब हमने नादवारा फोन किया शॉप पर, मोबाइल की शॉप पर, तो उन्होंने कहा ये वाला पीस नहीं है, जो कि मैं हम जो फ़ोन मंगाना चाहते हैं वो फ़ोन वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कल तक आ जाएगा। तो फिलहाल मैंने बुक तो कर दिया है, तो देखते हैं कल तक आता है या नहीं। कल मोबाइल आ जाएगा तो कल लेने जाना पड़ेगा, तो कल चलेंगे मोबाइल लेने के लिए। और बोल रहे थे कल तक तो आ जाएगा, इसीलिए क्योंकि रियलमी C30 है, 30 मैंने चूज़ कर लिया, तो वही वाला लेके आएंगे। तो कह जाओ, फिलहाल अंधेरा हो चुका है और मम्मी भी यहाँ पर खड़ी है, क्योंकि अभी देखो शाम का समय हुआ, इतना प्यारा हो रहा है आज। तो भाई पहली बार ऐसा मौसम हुआ, तो भाई देखो पूरा अलग ही एक्सपीरियंस है भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं देख रहा हूँ अपना नया चैनल खोलूँगा, तो उसकी सारा कुछ काम नीचे करूँगा, उसकी नीचे वाला कमरा देखा होगा मेरा, तो वहाँ पर सारा काम करूँगा। मेरा स्टूडियो पर देख रहा हूँ, वहीं पर करूँगा सफर सारा काम स्टूडियो का, तो देखता हूँ एक बार। अब फिलहाल सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे इसलिए हुई कि ये चैनल मेरा ग्रो इसीलिए नहीं हुआ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बहुत कम मेहनत की, स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी कम व्यूज़ मिला, जिसकी वजह से स्टार्टिंग मैंने 50 वीडियो इतने बेकार बनाए, मतलब ठीक ठाक थे मेरे स्टार्टिंग में, मुझे बिल्कुल बोलना तो नहीं आता था, अब जगह मैं बोल तो सकता हूँ कैमरा के सामने, बाकी पहले मैं बिल्कुल बोल ही नहीं सकता, ना किसी से बात कर सकता था उससे। मैं तो मतलब अनेक अलग वीडियो देखता हूँ मैं, मोटिवेशनल वीडियो, जिससे अंदर मोटिवेट आता है अपने आगे जीवन में क्या होगा, क्या कुछ करना है, कैसी क्या नौकरी पानी है, अपना जीवन कैसे निकालना है, ऐसा सभी मोटिवेशनल देख के मुझे जोश आया, जैसे एकदम आग जैसे लगते हैं एकदम अंदर, जिससे थोड़ा मोटिवेशन होने के कारण मैंने यूट्यूब चैनल खोला, फिर मुझे बोलना आया। तो अब जाके देख रहा हूँ मैं अभी प्रॉपर बोलने लग चुका हूँ सीधा, तो अब जाके मैं नया चैनल खोलूँगा जिसमें पूरी तरीके से मेहनत करूँगा और आप सभी जने पूरा अपना सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि मैं नया चैनल खोलूँगा कपिल इज़ लाइव नाम का, जिसमें मैं
किसी भी ओमेगल पे वीडियो बने हैं, बहुत सारा ओमेगल पे वीडियो बने हैं, उन पर रिएक्शन दूंगा और थोड़ी बहुत उसमें गेमिंग भी चलेगी। तो भाई उस चैनल को जरूर सपोर्ट करना, उसमें काफी ज्यादा मेहनत लगेगी। उस चैनल में मैं रोजाना वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, मतलब 2 दिन में एक वीडियो या 3 दिन में एक वीडियो, क्योंकि अच्छी एडिटिंग भी करनी जरूरी है। जैसे नए चैनल में स्टार्टिंग से एडिटिंग अच्छी करनी पड़ती है, इसलिए। तो भाई जाओ फिलहाल मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। वैसे व्लॉग तो कोई नहीं था, मैंने इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाया जो कि नया चैनल खोलूंगा, और दूसरी बात मैंने अपना फोन पापा के लिए बुक करा दिया जो कि मुझे सेकंड चैनल में काफी ज्यादा मदद करेगा। तो इसलिए फोन बुक कर दिया है, 7,500 रुपये का है, कल तक आ जाएगा, ये नहीं तो कल परसों तक। तो कल तो मैं लेने जाना ही है, वहां पर पहुंच गया होगा अभी, तो कल चलेंगे फोन लेने के लिए। तो कल का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है।